हम लोग बोले हमारा इमाम नहीं आया अभी नमाज बाकी है। कौन सा सर आपकी सेवा के लिए हम लोग यही चाहते हैं आपसे बॉस की आप मुंगरा में आपका वेतन पैसे पे है। सेकंड बात सर मुंगरा के हालात आपको सब मालूम है। सेकंड थिंग है सर कि आज वन वीक के अंदर सर चार मर्डर हो गए मुंगरा के। चार जी सर साहब एक तो बॉम्बे कॉलोनी का था वो अपना मतलब बस वन वीक के अंदर इतने सब मामला हुए और दहशत का बड़ा माहौल शहर में था। आपसे हम लोग यही उम्मीद है कि सर जो गुनहगार है सर उनका आपको सबको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, गुंडे जो बढ़ गए हैं, एमडी जो बढ़ गया है, दादागिरी जो बढ़ गई है, रोग रोगी जो बढ़ गए हैं, उसके लिए मैं मेरा हिसाब से बोलता हूँ माइंड मत करना। उसके लिए आप लीडर लोग जाओ तो एक्सप्लेन करो कि कैसे साहब तुम ऐसा पैसा बोल तो देखो मैंने अभी जो सुना है क्या देखा है यहाँ तो पुलिस जो सौ पुलिस उसमें दस हम नागरपुर में जो दलाल लोग है झूठा कंप्लेंट डालना झूठा पटाने का बाहर पटाने का एक केस दाखिल करो फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज करो फिर वो एफिडेविट लाओ ये चल रहा है। बाद में जो जो गुंडे मैंने तो ऐसे सुना कुछ एक एक्स्ट्रा जेट मिले नगर सेवक था वो फायरिंग किसने किया उसका पंटर था वो क्रिमिनल था उनको लाके बढ़ाया कुछ धंधा कर रहा है लोगों को दम दे रहा है पुलिस के नाम से अभी फट गई उसकी उसके लिए मेरे को बहुत फोन आए कि सब हाजिर करता मैं हाजिर करने का हमारा काम हाजिर करना है तो तुम कहाँ भी करो मेरे पास नहीं हम लाएंगे हम लाते हैं हाजिर नहीं करते मुझे मोहलत दो देखो नहीं सर, आपका एक दिन में तुम्हारा खुद का घर अपन नहीं बन देख सकते पूरा शिफ्ट हो जा एक दिन में कितने रूम है मालूम नहीं आपने बोले सब बहुत अच्छी बात है ऐसा कि लीडरों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है ऐसे लीडरों का कहना है कि पुलिस का नहीं बोल रहा हूँ
हमारे एमएलए साहब, हम लोगों ने हमेशा मुगरा पुलिस स्टेशन के साथ ऑपरेशन किया है, या ये बैठे हुए उलमाए कराम साहब जो गुनहगार है, हमने कभी नहीं कहा इसको आप फ्री कर दो सर, ना कभी कहेंगे आपसे सर। और सर हमेशा हमने यही कहा है, अगर हमने कभी कॉल किया और मालूम पड़ा कि इसके लिए कॉल किया, वो आदमी गुनहगार है, तो हमने कहा साहब इसको छोड़ना भी नहीं आवे सर। बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं एक बात के लिए और, कि मैंने तो दो दिन में ऐसा देखा है कि लोग आते हैं, नहीं नहीं सर, या तो कंप्लेन देने को आते हैं, और जो आता है साथ में वो कंधे पे हाथ रखता है उसके, फिर लेके आता है। देख पुलिस वाले ने कर, मैं था इसलिए दाखिल किया, और विचार पुलिस वाले तो देखो पुलिस पैसे खाते होंगे खाते मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो क्या बोलते हैं फटाक से, देखो मेरे उसे तुम्हारा काम हुआ, और बदनाम पुलिस होता है वो, पुलिस हो उसको कंप्लेनर को क्या लगता है, चलो अच्छा हुआ यार मैं इनके साथ आता तो मेरे को तो पुलिस हक्का दे देती है। तब कहा ना मेरे वॉलेट के अंदर एक छोटी सी चोरी, उसमें कुछ 7,500 उसका टोटल कैश गया और कुछ मोबाइल वगैरह गए, उनको मैंने यहाँ पर भेजा। 35 तोला गए, मैंने 35 तोला मेरे वॉलेट में, नहीं वो इनके वॉलेट में होगा, मेरे 7,500 का कैश गया और मोबाइल गया, सब मैंने यहाँ पर भेजा। तो क्या बोलता हूँ ना, जो कंप्लेंट रूम में कॉलर बैठा हुआ तो उसे कहता है 7,500 का कंप्लेंट कुछ मिलने वाला है नहीं, जरा तुम चले जाओ ऑफिस में। तो उसने जिद की तो मैंने फोन किया, मैंने उसको कंप्लेंट किया, मैंने उसको फोन किया कि साहब सुनता समझ बस लेते अच्छा कंप्लेंट किया ना तुम्हें, उसने सर ठीक है कंप्लेंट लेता, उसके बाद बोलते हैं वो मोबाइल का बिल लेकर आओ, वो मोबाइल कहाँ से खरीदा, वो परचेस वो लेकर आओ, उसका क्लियर बिल मुझे व्हाइट बिल चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें परेशान की, पैसा बताने का बोलो आगे बिल्कुल, और कंप्लेंट लिया ही गया पुलिस के अगेंस्ट की बात बोला। अगर मोबाइल का अपन EMI नंबर देते हैं ना, जल्दी हो जाता है, ठीक है। मगर बिल देखो, बिल वर्किंग के लिए नहीं मांगते, बिल वो EMI नंबर है उसमें रहता है, बिल्कुल EMI जल्दी जल्दी पैसा पैसा घुमाएगा। आप पुलिस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पुलिस अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, जो हकीकत है वो बता आपको, मैं कल की बात बताया होता है साहब, आप आए हैं देखो, मैंने बोला लोगों को पुलिस नहीं चाहता, भगवान नहीं है, अरे बड़े बड़े भगवानों से गलती हुई तो पुलिस नहीं आई, रहता आदमी है। मैं तो चाहता हूँ पुलिस के अंदर हमारा जरा भी इंटरफेरेंस ना हो, आप निष्पक्ष तरीके से आप काम करें, कंप्लीट साहब सभी टू मुमरा साहब, मुमरा साहब आप देखिए साहब मेरे क्या साहब, सभी टू मुमरा और पूरी आपसे उम्मीद है, जब तक आप मेरे साथ में तो मैं 99 में 1,000 एक टक्का बोलता हूँ कि कायदा सुरक्षा क्लियर हो जाएगी। अमली पदार्थ का मैं केस
उसके लिए स्क्वाड है, स्क्वाड की मदद से अपन केसेस करेंगे। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे पुलिस के पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन मुमरा में इन्फॉर्मर ज़्यादा है, कुछ कुछ वजह से वो आते नहीं है। हम लोगों ने हमारी पार्टी के बैनर के नीचे आवाज साहब के नेतृत्व में हमारे नगर सेवक हम लोग हमारी पार्टी के लोगों ने हम लोगों ने बस यहाँ जो ड्रग्स माफिया थे हम लोगों को बारिश करवाया था और हम लोगों ने बहुत रैली निकालाया साहब इसको बच्चों के साथ हम लोग कंट्रोल करें चीज से। हम लोगों ने पूरी कोशिश किया लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है साहब, प्रॉब्लम क्या है साहब, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हम लोग आरेस्ट करा करके उसको भेजते हैं सर, उनको पुलिस आरेस्ट करती है लेकिन बहुत बूढ़े दो दिन बाद सर वो जाते हैं होकर आरेस्ट, लेकिन सर वो लोग बात नहीं करते। एमडी सर नारकोटिक में नहीं गया था ना, एजुकेटेड पर्सन है, इसमें ही पुलिस बदनाम है, ये सब न्याय देता ही उनको जामीन देती, हम नहीं देते। ऐसा कोई केस भी फिर था एमडी पहला कुछ महीने पहले फर्स्ट टाइम मनसुख लगाया कल्याण का पकड़ा था, फिर तीन महीना उसको बेल नहीं होने दिया था, लेकिन तभी बहुत कम पीरियड में नारकोलिस चलता था, लेकिन अभी नारकोलिस का इतना बढ़ गया है और उसमें जो अपन बोलते हैं ना ब्लू फोल्ड कायदे जी वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस इतना बुद्धिमान नहीं रहता है, बहुत सारे ग्रेजुएशन उनके चार पाँच कलम पड़ते हैं, लेकिन हमको आरबीसी के 512 कलम 511 कलम तक पढ़ना है, आईसीआरबीसी के 400 कलम पढ़ना है, उसमें यूबीसीडी 1234 हम वकील नहीं, फिर भी इतना कोई कॉमन पुलिस का नॉलेज रहता है, हर वकील का एक ही काम रहता है कि वो उतना पर्टिकुलर स्टडी है उसका, समझो नारकोटिक्स का वकील है तो नारकोटिक्स को स्टडी बहुत कर लेता है, क्रिमिनल का वकील है तो क्रिमिनल का ही स्टडी कर लेता है, पर उसमें ऐसा है कि बहुत सारे जगह पुलिस का ट्रायल होने के बाद भी बेल हो जाता है। ये कायदाची बाब झाली की तो सुनता पण आता एक रियल इंसिडेंट असा आहे की एक दोन एक महिन्यापूर्वी तिथे आम्ही रात्रीचं सेटिंग लावलं होतं पूर्ण आणि 1 वाजता मी तिथे सीनियर साहेबांना रात्री फोन केला, ते लोक बाई एक मिनिट जमी माई भाई साहेब चेअरमॅन आप सुन लगा जय हिंद पिया ताय बोलतो नमस्कार बरोबर थैंक यू सर बैठे हैं सब सामने अभी उनको वो कितना मुझे सपोर्ट करते उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ। बस अगर मैं कसम से बोलता हूँ अगर जनता का सपोर्ट रहेगा तो टाइटल हम मेरी जान देने को तैयार है मुमरा के लिए, खिलाफ बड़ी बात हो सकती है छूट करके आया तो उसने मेरे खिलाफ लेटर दिया और तड़वी साहब थे ना तड़वी साहब डीबी में उसके खिलाफ लेटर दिया कि शमीम खान और तड़वी इन दोनों ने ला करके ड्रग्स डाल दिया मेरे जेब के अंदर, वो जा करके उसकी वाइफ को लेकर मुलाकात किया अपने सीपी साहब से, सीपी साहब ने यहाँ पे जांच के लिए लेटर भेजा है, मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट बना पुलिस स्टेशन के अंदर, तो मैंने बोला भोगे साहब से, मैंने कहा भोगे साहब आप एक काम करो इसका रिकॉर्ड निकालो,
साफ उन्होंने उसका रिकॉर्ड निकाला वन ब्लॉक पे, यहाँ पे 18 केस था पुलिस को, उन्होंने वो केस भेजा उसको, साहब ने बोला इसको और गुनाह दर्ज कर सिफारिश करवा दी जाएगी साहब की। बॉस ऐसा हो रहा है कि अगर हम लोग सही काम करते हैं साहब, साहब यहाँ आकर के बोलते हैं कि शमीम खान ने ला के ला दिया हमारे जेब में ड्रग्स और हम भी पुलिस भी था आरोपी आरोपी होता है सब ऐसा होता है साहब पूरा नहीं नहीं कंप्लेंट होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है नहीं, वैसा पुलिस करते ये नहीं कर सकते हम डालते हम डालते जहाँ उसको आदेश किए मैडम वहाँ साहब बंदे को मारा। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ ओके थैंक यू थैंक यू। सब पूरा फोटो मिल जाएगा आप लोग को। थैंक यू पोलीस स्टेशनला बहुत उपासक उपासिका समन्वय संस्था या संस्थेच्या वतीने क्रांतिबा ज्योतिराव फुले आणि युग पुरुष डॉक्टर बाबासाहेब सर मुंब्रा ऐतिहासिक शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको यहाँ आकर के विशेष प्रभाव के तहत यहाँ पर आपको तैनात किया गया है कि जिस तरह से यहाँ की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, क्राइम बढ़ता चला जा रहा था, आपको तैनात करने के बाद में लोगों ने सुख के सांस लिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी सर? ऐसा तो मैं नहीं समझूंगा, देखो ये सब हमारे बड़े साहब लोगों की मेहरबानी और जनता का साथ रहेगा तो सब अमन शांति रहेगा। जनता प्रतीक्षा कर रही है कि आप उनको पुकारें आ जाइए। हमने डिमांड कर लिया, जनता को बोल दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। कई साधु जो है ना आपके पास आ गए प्रवचन अपने जाहिर करने के लिए, आपने उनको कुछ भी किया है लेकिन हमको मालूम है कि आप न्याय के साथ रहेंगे सर, कैसे रहेगा मार्ग आप? 100% न्याय बोले तो न्याय। लोगों को क्या संदेश देंगे सर? बस पुलिस का काम ही पड़े, पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचे ऐसे ही काम पब्लिक ने भी करना चाहिए। सर औरतें रात को यहाँ पे पहुंच जाती हैं सर, उनके नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पारिवारिक मसले जरा जरा सी बात पे जो पहुंच जाते हैं, उनको प्रबोधन करना है, उनको मौलाना या गांव के लोगों ने या बड़े लोगों ने अनुभव के हिसाब से उनको सिखाना है, बोलना है, उनको समझाना है कि नहीं छोटी बात के लिए पुलिस में मत जाओ, खुद का भी टाइम जाता है पुलिस का भी टाइम जाता है। युवा पीढ़ी जो जरा सा जो है उत्साही होकर के सड़क पर आ जाती है उनको क्या संदेश? वो यंग जनरेशन है जी, थोड़ा सोचने का तरीका अलग रहता है, होता है ऐसा। आप समझा देंगे? बिल्कुल समझा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपको शुक्रिया।